एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। उस लोमड़ी की जंगल में ही रहने वाले एक खूबसूरत हिरन से दोस्ती थी। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि वे दोनों अधिकतर समय साथ साथ बिताया करते थे। वे अक्सर बातें करते, खेलते और रिया सारी मस्ती करते। हिरन को लोमड़ी की दोस्ती पर बड़ा भरोसा था, इसलिए उसके मांसाहारी होने पर भी उसने उससे दोस्ती की थी। दूसरी ओर जंगल के अन्य जानवर हमेशा हिरन को लोमड़ी से दूर रहने की सलाह देते थे, लेकिन उसे भरोसा था कि दोस्ती की खातिर लोमड़ी उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। फिर एक दिन एक बूढ़ा शेर जंगल में आया और शिकार की तलाश करते हुए वह नदी किनारे पहुंचा। तब वहां नदी के दूसरे किनारे पर उसे हिरन नजर आया जो लोमड़ी के साथ खेल रहा था। फिर हिरन को देखकर शेर के मुंह में पानी आ गया और तभी से वह उसका मांस खाने की योजना बनाने लगा। लेकिन शेर बूढ़ा हो चला था, इसलिए अब उसमें पहले जैसी फुर्ती नहीं रह गई थी कि वह हिरण को भागकर पकड़ ले। तब उसने बहुत सोच विचार किया और अंततः लोमड़ी से नजदीकी बढ़ाकर उसको अपने साथ मिलाने का इरादा कर लिया। अगले दिन उसने लोमड़ी को अपने पास बुलाया और उससे कहा, लोमड़ी क्या तुम मेरी सहायक बनोगी? तब लोमड़ी को शेर ने बताया कि तुम्हारा काम होगा कि जंगल के जानवरों को बहला फुसलाकर मेरे पास लाना और पास आते ही मैं उनका शिकार कर लूंगा। उसके बाद हम दोनों आधा आधा मांस बांट लेंगे। फिर लोमड़ी ने शेर का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और अगले दिन से उसे काम भी शुरू करना था। उस रात लोमड़ी रात भर सोचती रही कि सबसे पहले किस जानवर को फुसलाकर शेर के पास ले जाऊं, क्योंकि किसी भी जानवर को बहलाना फुसलाना आसान नहीं था। वैसे भी जंगल के सभी जानवर उसे धूर्त समझते ही थे। तब उसने सोचा कि क्यों न हिरण से ही शुरुआत की जाए, क्योंकि वो मुझ पर बहुत भरोसा करता है, इसलिए उसे फुसलाना आसान है। अगले दिन वो हिरण के पास गई और उसे फुसलाकर शेर की गुफा में ले आई। शेर पहले से ही शिकार की तलाश में बैठा था, इसलिए हिरण को देखते ही झपट्टा मारकर हिरण को दबोचा लिया और उसे मारकर उसका पूरा मांस खा लिया और लोमड़ी वही खड़ी देखती रह गई। बाद में उसने शेर से शिकायत की कि तुमने वादा किया था कि आधा मांस तुम मुझे दोगे, लेकिन तुम पूरा मांस खा गए, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। फिर शेर उसे डपटते हुए बोला कि पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख, क्या तूने अपने दोस्त का भरोसा नहीं तोड़ा और उसे मेरा शिकार बनाकर मेरे पास नहीं लाई? भरोसे की नसीहत तब देना जब तू खुद भरोसेमंद हो, इसलिए मुझे अब और गुस्सा मत दिला और भाग यहाँ से। जो अपने दोस्त की न हुई वो मेरी क्या होगी? लोमड़ी मुंह लटका कर वापस चली आई। उसे उसकी करनी का फल मिल गया। इसलिए कहते हैं कि कभी किसी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि भरोसा तोड़ने वाले पर कोई भरोसा नहीं करता।